दोस्तों, अगर आपको सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हो, तो ये स्पेशल वीडियो है आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमाटोग्राफी करने के लिए क्या कैमरा ऐप यूज करेंगे, क्या कुछ कैमरा सेटिंग्स आपका होगा। साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, तो वैसे तो काफ़ी सारे कैमरा एप्लीकेशन है जहाँ पर से आप सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो, बट आज के दिन में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिल्मिक प्रो। ये आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही डिवाइसेस के लिए मिल जाते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, बट वहाँ पर से आपको पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप इसे फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आप इजिली इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाओगे। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसको ओपन करो और जैसे जैसे मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ वैसे वैसे आप उसको चेंज करो। ऑल राइट, सो ये है फिल्मिक प्रो का यूजर इंटरफेस। यहाँ पर आपको एक सर्कल और एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक्सपोजर और फोकस को पिक करने के लिए है। ये जो सर्कल है इसको आप जहाँ पर रखेंगे उस हिसाब से ही आपके एक्सपोजर को सेट कर देगा, एंड ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसको आप जहाँ पर रखेंगे उस जगह पर ये आपका फोकस कर लेगा। इसको आप यूज कर सकते हो, काफी हैंडी टूल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैनुअल मोड में ही अपने वीडियोस को शूट करिए। यहाँ पर ये जो बटन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर ISO शटर स्पीड फोकस एंड जूम का रिंग मिल जाता है, जिससे कि आप ISO एंड शटर स्पीड को साथ ही साथ फोकस एंड जो जूम है उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो एंड काफी बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पर मैनुअली सारी चीजों को एडजस्ट करिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली अपने वीडियो को शूट करना चाहते हो तो आप अपने वीडियो में फोकस या फिर एक्सपोजर हंटिंग जैसे इशू बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। सो इसलिए आप अपने फोकस और एक्सपोजर को मैनुअल मोड में ही सेट करिए। अभी हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप इस सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे सेटिंग्स दिख जाएंगे। सबसे पहले रिजोल्यूशन, जो कि आप ओबियसली मैक्सिमम रिजोल्यूशन में शूट करिए। अगर आपका फोन 4K सपोर्ट करता है तो आप 4K में शूट करिए, अगर 4K सपोर्ट नहीं करता है तो आप मैक्सिमम 1080p में अपने वीडियोस को शूट करिए। उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेम है वो आपका 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में होगा, जिसको कि आप चेंज करके 2:1 के एस्पेक्ट रेशियो में चेंज कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो वीडियो का फ्रेम है वो ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, और जो ब्लैक सिनेमेटिक बार्स आप अपने वीडियोस को एडिट करते वक्त लगाते हो वो आपके कैमरे के अंदर ही अपने वीडियो फुटेज में ऐड हो जाएगा और आपके वीडियो का जो फ्रेम है वो बहुत ही ज्यादा सिनेमेटिक बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आप चले जाइए फ्रेम रेट्स के अंदर, जहाँ पर जो फ्रेम रेट है उसको आप 24 या फिर 30 FPS में शूट करिए। नाउ जो सिनेमेटिक वीडियोस होते हैं वो ज्यादातर 24 या फिर 30 FPS में ही शूट किया जाता है। 24 या फिर 30 FPS पे शूट करने से आपकी वीडियो में ज्यादा लाइट आता है, साथ ही साथ नॉइज भी कम कैप्चर होता है। बट 24 या फिर 30 FPS में अगर आप अपने वीडियोस को शूट करते हो तो उसे आप स्लो मोशन इफेक्ट नहीं दे सकते हो। तो अगर आप स्लो मोशन इफेक्ट देना चाहते हो अपने वीडियो को तो वहां पर आप हायर FPS का इस्तेमाल करिए, जैसे कि 60 या फिर 120 FPS का। अदरवाइज बाकी सारे वीडियोस को आप 24 या फिर 30 FPS में ही शूट करिए। फिर यहाँ पर ऑडियो का सेटिंग, जो कि अगर आप ऑडियो कैप्चर करते हो देन ऑब्वियसली यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके बाद बीच के ये सारे जो सेटिंग्स है उसको आप छोड़ दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप चले जाइए स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन के ऊपर क्लिक करके जो EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है उसको ऑन कर दीजिए। हालांकि फिल्मिक प्रो से कैप्चर की गई वीडियो क्लिप्स ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं, उसे आपको बाद में एडिटिंग में स्टेबलाइज करना पड़ता है, और उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो गूगल फोटोज का। गूगल फोटोज के अंदर आप अपने वीडियो क्लिप को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको स्टेबलाइज करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक में आप अपने वीडियो क्लिप को स्टेबलाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है उसको आप ऑन कर दीजिए, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी वीडियोस के कंपोजिशन को समझने में। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे सामने ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ग्रिड लाइंस के, ये जो रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड लाइंस है उसके एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है, जिसके वजह से मेरा जो फ्रेम है वो काफी बढ़िया दिख रहा है। सो आप ग्रिड लाइंस को ऑन कर दीजिए अपने फ्रेम को बेहतर बनाने के लिए। फिर यहाँ पर आप चले जाइए कलर्स के सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पर से आप व्हाइट बैलेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नाउ अगर आप अपने वीडियो क्लिप्स को कोई भी एक पर्टिकुलर कलर टोन में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर ये टेम्परेचर और टिंट की मदद से आप अपने वीडियो क्लिप में कोई भी कलर टोन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने वीडियो क्लिप में थोड़ा सा ग्रीन कलर टोन ऐड कर देता हूँ तो मेरे सारे जो वीडियो क्लिप्स है, मेरा जो एंटायर वीडियो सीक्वेंस होगा वो ग्रीन कलर टोन में होगा। पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार आपने कैमरे के अंदर अपने वीडियो फुटेज में कोई भी कलर टोन ऐड कर दिए तो एडिटिंग में आप उसे फिक्स नहीं कर पाओगे। इनकेस अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो बेहतर यही है कि आप अपने वीडियो क्लिप को न्यूट्रल रिकॉर्ड करो, उसके बाद एडिटिंग में आपको उसके ऊपर जो भी सारे कलर ग्रेडिंग करना है आप कर लीजिए। सो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जो AWB बटन है उसके ऊपर एक बार टच करके अपना जो व्हाइट बैलेंस है उसको ऑटो में सेट करिए, एंड देन उसके बाद आप उसके ऊपर फिर से टच करेंगे तो आपका जो व्हाइट बैलेंस है वो लॉक हो जाएगा। सो फिर जो वीडियो क्लिप्स आप रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी वीडियो क्लिप्स आप रिकॉर्ड करेंगे सब एक ही कलर टोन में होगा, एक ही व्हाइट बैलेंस में होगा, तो आपको कलर ग्रेडिंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। आप एक
वीडियो क्लिप को कलर ग्रेड कर दोगे और उसी सेम कलर ग्रेडिंग को बाकी सारे वीडियो क्लिप्स में पेस्ट कर देंगे तो बहुत ही इजीली आप अपने वीडियो क्लिप्स को कलर ग्रेड कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रोफाइल्स दिखेंगे। अगर आपका फोन लॉग V2 सपोर्ट करता है देन डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करिए, इससे कलर ग्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो लॉग या फिर फ्लैट में आप शूट कर सकते हो, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो न्यूट्रल में शूट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो हाईलाइट एंड शैडो है उसको बिल्कुल ही मत छेड़िए, इसको अगर आप यहाँ पर छेड़ देंगे तो वीडियो को कलर ग्रेड करते वक्त आपका काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर नीचे आप अपने वीडियो के जो सैचुरेशन या फिर जो वाइब्रेंस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा वाइब्रेंस कलर चाहिए अपने वीडियो में देन डेफिनेटली यहाँ पर जो वाइब्रेंस है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। मैं भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ लगभग +10 के आसपास, जिसकी वजह से जो वीडियोज है वो काफी बेहतर दिखते हैं। सो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस है, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको कि आप डेफिनेटली इस्तेमाल करिए, जो कि है फोकस और एक्सपोजर पीकिंग, जो कि यहाँ पर ये जो ए बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हो। इसको अगर आपने एक बार ऑन कर दिए तो यहाँ पर अगर आप फोकस को चेंज करते हो तो आप देख सकते हो जिस एरिया में आपका फोकस है वो एरिया ग्रीन हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर मेरे को मान लीजिए ये जो सामने ऑब्जेक्ट है आउल है, इसके ऊपर फोकस करना है तो इसको मैं तब तक एडजस्ट करूंगा जब तक कि ये जो आउल है वो कम्प्लीटली ग्रीन ना हो जाए। तो आप देख सकते हो ये अभी कम्प्लीटली ग्रीन हो चुका है, मतलब मेरा जो फोकस है वो आउल के ऊपर बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हो ये परफेक्टली फोकस कर दिया है। उसके साथ ही अगर आप एक्सपोजर को चेंज करते हो तो आप देखते हो जो एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है वहाँ पर रेड कलर की स्ट्रिप आ रहा है, रेड स्ट्रिप आ रहा है, एंड जो एरिया अंडर एक्सपोज हो रहा है वहाँ पर ब्लू स्ट्रिप आ रहा है। तो आप इस चीज़ को देखकर समझ सकते हो कि आपके फ्रेम में कौन सा एरिया अंडर एक्सपोज है, कौन सा एरिया ओवर एक्सपोज है। तो इसको यूज़ करती है आप अपने फोकस या फिर अपना जो एक्सपोजर है उसको बड़ी ही परफेक्टली तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इनकेस अगर आप आउटडोर कंडीशन में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो एक्सपोजर है वो सही है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर आप फोकस पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। देन यहाँ पर नीचे आपको जो टाइमर मिलता है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर से आप हिस्टोग्राम चेक कर सकते हो, विक्टोरस्कोप चेक कर सकते हो। सो बेसिकली अपना जो लाइट एंड कलर है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल में चला जाता है। ये आपका ज़रूरत नहीं है मोबाइल से सिनेमाटोग्राफी में, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर टाइमर में ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर अभी हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका जो कैमरा है वो रेडी है सिनेमाटोग्राफी करने के लिए। अभी आपके वीडियोस रिकॉर्ड हो गए, वीडियोस स्टेबलाइज्ड हो गए, उस वीडियो को अभी आपको कलर ग्रेड करना है। और कलर ग्रेड करने के लिए मैं आपको 3 ऐप रिकमेंड कर सकता हूँ। एक है कोलोरो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर से आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो। बट इनकेस अगर आप कोलोरो को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप दूसरा एप्लीकेशन जो कि है वैस्को उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए। एंड तीसरा एप्लीकेशन है नॉट वीडियो, ये बेसिकली एक प्रीमियर प्रो का मोबाइल वर्जन है और यहां पर आप अपने वीडियो को एकदम प्रोफेशनल तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। वैसे तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी दैट्स ऑल फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।